शिक्षा मंत्रालय ने आज 3 से 8 साल के बच्चों के लिए जादुई पिटारा लॉन्च किया है। क्या है ये जादुई पिटारा और किस तरीके से इसे अमलीजामा पहनाया जाएगा, इस वक्त एनसीईआरटी के डायरेक्टर सकलानी सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे इंटरेस्टिंग है ये जादुई पिटारा, क्योंकि इस शब्द को लेकर बच्चों में एक उत्सुकता है कि आखिर क्या है ये, तो किस क्या है इसमें और क्या क्या इसमें रहेगा, अगर आप दिखाना चाहें। ऐसा है कि ये जो जादुई पिटारा है, ये शब्द जानबूझ के इसका चयन किया गया। जैसे आपने कहा कि बच्चे बड़े उत्सुक होते हैं, उनको लगता है कि क्या निकलेगा इसमें से, देखे तो सही जरा। तो सबसे पहले तो बच्चों की जो स्वाभाविक विधि है क्यूरोसिटी, वो क्यूरोसिटी को उत्पन्न करने देना चाहिए, उनकी जिज्ञासा को उठाना चाहिए। और जब जिज्ञासा उठती है तो बच्चा देखता है, अरे देखें क्या है। अब जैसे ही उसने देख लिया, देखिए ये क्या है, ये वेलक्रो ट्वाइज है, यूजर्स मैनुअल इसमें है, कैसे इसको यूज करना है। अब देखिए ये पुतली है, ये पुतला है, इसमें इसके माध्यम से बच्चा देख सकता है कि अरे ये क्या है, वो समझ सकता है। इसका मुंह है, आंखें हैं, कान है, ये कैसे करता है, काम करता है, किस चीज़ से बना है, कितनी सारी चीज़ें वो समझ सकता है। इसी प्रकार से ये जो है, ये देखेगा ये सामग्री है क्या। अब उसको पूछेगा तो देखेगा इसमें कुछ चीज़ पीस सकते हैं, चूर्ण बना सकते। काफी बड़ा बॉक्स है, किताबों के साथ साथ मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग किताबें बहुत कम है। ये जो आप जिनको किताब कह रही हो, किताबें नहीं है। अच्छा। ये खेल खिलौने हैं सारे, ये देखिए ये इससे बच्चा कितना आनंदित होगा म्यूजिक सुन करके। इसके बाद जो है ये टेक्टाइल है, देखिए ये जो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए, ये हाथ लगा करके स्पर्श करके उनके लिए भी है। और उसके अलावा देखिए ये बांसुरी है, ठीक है कि नहीं। इसके प्रकार जो ये जो कार्ड्स है ना, ये कार्ड कितने चित्रात्मक है देखिए। और ये मल्टीलिंगुअल है, जो NEP ने कहा है मल्टीलिंगुअल। अब एक जो अंग्रेजी में पढ़ेगा, वन पढ़ेगा, वो एकदम समझ जाएगा हिंदी में एक ऐसा लिखा जाता है, वो समझ जाएगा कि उड़िया में ऐसा लिखा जाता है, वो समझ जाएगा कि दूसरी भाषा में ऐसा लिखा। एक साथ जो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की बात NEP ने की है, उसको चरितार्थ करते हुए इस प्रकार के मटेरियल को डेवलप किया गया है। तो अभी तक सर जो किताबी ज्ञान बच्चे ले रहे थे, क्या लगा, क्यों जरूरत लगी और क्या लगता है और कितना इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है इसका? देखिए किताबी ज्ञान केवल रटने की विद्या जो है, वो बच्चा समझता नहीं है, वो क्या समझ रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सीख रहा है, उसको पता ही नहीं उसके बारे में। जब हम इन चीजों को लाते हैं ना, तो ये चीजें हमारे बीच से निकली है। सबसे पहले बच्चा किसको जानना चाहेगा, अपने को, उसकी आंख है, कान है, हाथ है, क्या है, सबसे पहले तो वो जानना चाहिए। उसके बाद उसको जानना चाहिए कि वो किसके साथ सबसे ज्यादा रहता है, माँ के साथ रहता है, फिर माँ के साथ परिवार में और कौन होते हैं उनको देखना चाहेगा, परिवार में वो क्या खाते हैं, कौन सा खाना बनाते हैं, कहाँ से खाना आता है, क्या अब आसपास पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं, उनको जानना चाहेगा। ऐसे ही NEP में भारत केंद्रित और संस्कृति केंद्रित शिक्षा की बात जो की गई है ना, वो भारत केंद्रित और संस्कृति केंद्रित शिक्षा का मूल ये इस प्रकार की शिक्षा से निकलता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेल आधारित शिक्षा की बात शुरू से की है, वो जानते हैं कि किस प्रकार से जो पंचकोशीय पद्धति की शिक्षा है तैतृय उपनिषद में जो थी, प्राचीन गुरुकुलों में दी जाती थी, उसने किस प्रकार से भारत को एक स्थान दिलाया था। आज मैं चुनौती के साथ कह सकता हूँ कि क्या हमने वैदिक साहित्य जैसा साहित्य सृजन किया है, क्या उपनिषद जैसे उपग्रंथ लिखे हैं, क्या ऐसा दर्शन, गीता जैसा दर्शन दिया है, क्या नहीं दिया है ना। तो वो किसके माध्यम से निकले, वो जो लोग जिन्होंने ये रचना की, वो इसी प्रकार की शिक्षा, पंचकोशीय शिक्षा के माध्यम से उद्भूत हुए। उसी को अगर हम दोबारा लाएंगे तो विश्व का कल्याण होगा, भारत का ही नहीं है बल्कि पूरे विश्व का कल्याण होगा, क्योंकि सब खुशी से सीखेंगे, अपने बारे में जानेंगे, समाज के बारे में जानेंगे और सबके साथ संवाद करेंगे, मिलजुल करके रहेंगे और देश की प्रगति को सुनिश्चित करेंगे, विश्व की प्रगति को सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद सर। तो इस तरह से जो ये जादुई पिटारा है, जिसमें किताबी ज्ञान के साथ साथ बहुत से ऐसे फ्लैश कार्ड्स हैं, टॉयज हैं, जिनके जरिए बच्चों को सीखने और सिखाने की कोशिश की जाएगी और आधारभूत स्तर से ही इसकी शुरुआत की जा रही 2023-24 से देश भर के जो तमाम स्कूल हैं उसमें इसको अमलीजामा पहनाया जाएगा और लागू किया जाएगा। कैमरामैन विजय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।